नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो का ध्येय एक ही है कि अभी आपने मेरे दो वीडियोस देखे होंगे जिसमें नीति आयोग का ये कहना है कि दो बैंक प्राइवेटाइज किए जाएंगे या तीन बैंक प्राइवेटाइज किए जाएंगे, और ये जो बैंक प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं तो कौन से अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक या आईओबी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र होंगे, और उनके इंप्लॉइज का 1 साल का जॉब सिक्योरिटी का टेन्योर दिया जाएगा एयर इंडिया के जैसे। तो अभी एक लेटेस्ट खबर आई है कि उनके यूनियन ये कह रही है कि वो इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे, अन्यथा उनके जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए, और ये बात वाजिब भी। देखिए, एयर इंडिया के जो आपने जॉब सिक्योरिटी दी तो उसके एग्जाम में जाना, और कोई बैंक का पीओ और क्लर्क जो बनता है उसके जॉब के लिए कई लोगों के सिर्फ सपने इस बात के होते हैं कि वो बैंक का पीओ बने या बैंक का क्लर्क बने, और उसपे कई लोग अच्छे दूसरे गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैंक में जाते हैं, बैंक वाले छोड़ के तीसरे जॉब में जाते हैं। जहां तक एब्जॉर्प्शन की बात है, जब बैंक ऑफ बड़ौदा या देना बैंक ये सब इलाहाबाद बैंक मिले और बैंक ऑफ बड़ौदा कहलाए, तो वहां दूसरे कर्मचारी को एब्जॉर्ब किया गया, तो एब्जॉर्ब हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे अगर आप 1 साल के सिर्फ जॉब, जहां तक वीआर दूसरी बात, जहां वीआरएस दे रहे हैं आप, तो वो वीआरएस की कगार पे है, तो वीआरएस ले रहा है अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ, तो चलिए ठीक है। उसके बाद 20 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव है तो पेंशन भी मिलेगा, और उसके साथ वो जाके चाहे तो प्राइवेट को ज्वाइन कर सकते हैं 20, 25, 30 साल के अनुभव के साथ। लेकिन जिन्होंने कल ज्वाइन किया है, जिन्होंने 5 साल हुआ है, जिनका 10 साल हुआ है, ऑलरेडी वो एनपीएस के कैटेगरी में है, न्यू पेंशन स्कीम में, कई जगह से जॉब छोड़ के बैंक के जॉब को ज्वाइन किए हैं, और बैंक पीओ और क्लर्क बनना एक सपना होता है, तो क्या उनकी एक गलती तो नहीं थी कि वो सेंट्रल बैंक या आईओबी में सेलेक्ट हुए या किसी ऐसे बैंक में जो प्राइवेटाइज हो रहा है? तो मेरे हिसाब से उनकी जो ये मांग है कि उन्हें एब्जॉर्ब किया जाए दूसरे बैंक में, ना कि उन्हें 1 साल की जॉब सिक्योरिटी, जब पूर्णतः सही है, और सरकार को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों में हो रहा असंतोष कहीं भी उचित नहीं होता है। कर्मचारी भी इस देश का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं कि उससे अलग है, और इस तरीके से बढ़ता असंतोष कहीं भी उचित नहीं होता है। तो इस नोट के साथ कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।